हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी कुछ दिनों पहले मैं गई थी बनारस, दिल्ली से गई थी बनारस। तो मैं बनारस में कहाँ ठहरें, कैसे जाएं, कितना खर्चा लगता है, ठहरने की क्या व्यवस्था है, दर्शन कैसे करें, ये सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और इसके साथ अपना अनुभव भी मैं आपके साथ साझा करूंगी कि मुझे कैसा महसूस हुआ, कहाँ पे ठगने का थोड़ा चांस रहता है, कहाँ पे कितना खर्चा होता है, सब कुछ बताऊंगी। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी लेकिन मुझे एक भी वीडियो ऐसा नहीं लगा जो बिल्कुल जो उसमें बताया गया और सेम वैसा ही वहाँ पर हो। सब में कम ज़्यादा ऐसे करके बताते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो मैंने देखा वो मैं आपको बताऊं। तो बनारस जाने के लिए आप तो या तो हवाई मार्ग से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, पर्सनल कैब ले सकते हैं या बस से जा सकते हैं। और जब आप वहाँ पे, बनारस में दो रेलवे स्टेशन है और दोनों रेलवे स्टेशन की दूरी, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम सबका ये रहता है कि जहाँ भी होटल लें या धर्मशाला लें तो मंदिर के आसपास लें ताकि हमें जाने आने में दिक्कत ना हो। और एयरपोर्ट जो है वो तकरीबन मंदिर से 26 किलोमीटर के आसपास की है। तो आप देख लें कि आप किससे जाएंगे। तो मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको सबका किराया बता देती हूँ। आप अगर ट्रेन से जाते हैं, ये है वंदे भारत, इसका किराया दिल्ली से बनारस तक का तकरीबन 1800 रुपये पर पर्सन है और 8 घंटे में ये पहुंचा देता है। और अगर आप स्लीपर क्लास से जाते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 400 से 500 रुपये लगेगा। और अगर आप थर्ड टीयर एसी से जाते हैं तो उसमें आपको 1000 के आसपास किराया लगेगा। और इस तरह से हम पहुँच गए बनारस। सबसे पहले हमें क्या होता है कि जब पहुंच जाते हैं तो ठहरे का ये समस्या आती है। तो आप या तो ऑनलाइन बुकिंग कर लें, धर्मशाला होटल सब ऑनलाइन आपको बुकिंग मिल जाएगी। और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया है तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, टैक्सी वाले ऑटो वाले जो होते हैं ना वो आपको होटल तक ले जाएंगे। तो वहाँ का जो खाना पीना है, क्या खाएं, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए, हमें जब होटल मिल गया तो सबसे पहले भूख लग गई थी तो मैंने कहा कि बनारस की चाट सबसे ज़्यादा फेमस है तो यहाँ पे हम चाट खा रहे हैं। और दोपहर के आस यानी 4 बजे के आसपास हम पहुँचे थे और शाम की आरती, हमने कहा कि चलो आरती देखते हैं। तो ये है 80 घाट। यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं और सब घाट में ना अलग अलग आरती होती है। तो यहाँ पे हम शाम को आए हैं 80 घाट में, यहाँ पे आरती हो रही है। और शाम की आरती ना बहुत अच्छी होती है और तकरीबन आधे घंटे या 45 मिनट तक चलती है और 1-1.5 घंटे पहले से लोग आकर यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा टाइम लेके चलना पड़ेगा। तो मैं बता रही थी आपको होटल के लिए, तो यहाँ पे जो होटल है ना, कोई भी होटल आपको मतलब 1500-2000 से नीचे कहीं नहीं मिलेगा। मतलब बहुत ही साधारण सा होटल लीजिएगा तब भी आपको 1000-1500 से नीचे नहीं मिलेगा। इसके नीचे या तो आप धर्मशाला ले लें या फिर कई सारे लोग अपने घर में भी गेस्ट हाउस के तरह से चलाते हैं, उसमें आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको होटल का रेट बता दिया। और ये है 80 घाट, यानी हो रही है आरती। और अभी गंगा जी में पानी का जल का स्तर जो है ना काफ़ी बढ़ गया है, तो आरती जो होती है ना वो यहाँ पे नौका विहार नहीं हो रहा है, स्टीमर वगैरह नहीं चल रही है। तो आरती यहाँ पे नहीं तो इस पे से स्टीमर से ना या नौके से बहुत अच्छी आरती का जो नज़ारा होता है ना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम साथ में बैठ के ही देख रहे हैं, मतलब आरती का जो नज़ारा है ना ये बहुत ही अच्छा है। आप एक आरती ज़रूर देखें, सुबह भी होती है और शाम को भी होती है। सुबह तो मैंने नहीं देखी है, मैंने सुना है कि सुबह भी होती है। तो यहाँ पर हमने शाम को आरती में सम्मिलित हो गए और अगले दिन सुबह हम जाएँगे काशी विश्वनाथ मंदिर, जो ज्योतिर्लिंग है वो जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे देखिए सुबह सुबह हम पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे आपको मंदिर के अंदर ना मोबाइल वगैरह कुछ भी लेके जाने नहीं दिया जाएगा। ये फूल वाले जो होते हैं ना यही अपना वहाँ पे लॉकर रखते हैं, उसमें आप चप्पल और अपना मोबाइल वगैरह जमा कर दीजिए और बदले में आप उनसे फूल वगैरह लीजिए। और अभी मैं आपको बता दूँ, ये फूल जो है ना वो कम से कम आप 100-150 से नीचे का लीजिएगा तो फिर वो आपके जो मोबाइल वगैरह है ना वो नहीं रखेंगे। अगर आपको 10-20 रुपये का फूल लेना है तो फिर ये लोग आपका मोबाइल नहीं रखेंगे। फिर आप मंदिर के अंदर भी बने हुए हैं बैंक, उसमें आप अपने मोबाइल रख सकते हैं। तो हमने तो यहीं पे रख दिया था फूल वाले के पास और 100 रुपये का फूल लिया था, 100-150 ऐसे ही लेते हैं। तो लेकिन हाँ, फूल अच्छा देते हैं, ढेर सारा देते हैं, टोकरी और थोड़ा सा प्रसाद वगैरह सब कुछ देते हैं। और मंदिर के अंदर तो आपको मोबाइल ले जाना है नहीं, तो फिर अंदर का मैं आपको एक भी फ़ोटो नहीं दिखा पा रही हूँ। और यहाँ पे भी होता है ना दर्शन में भी ना, एक होते हैं VIP दर्शन बोलते हैं जिसमें 300 का टिकट लगता है, वो भी आप या तो ऑनलाइन ले सकते हैं या ऑफलाइन ले सकते हैं। ऑफलाइन लेंगे ना तो फिर आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तो हमने भी ऑनलाइन ही ले लिया था। तो इससे बहुत सुविधा हो गई, बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिला।
और जनरल जो लाइन होता है वो लाइन थोड़ी लंबी होती है, आपको घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, और जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मतलब चार घंटे तक भी आपको रुकना पड़ सकता है। तो VIP आप अगर टिकट ले लेते हैं 300 पर पर्सन है। तो यहाँ पे टिकट लेके हमने बहुत अच्छा दर्शन कर लिया, मतलब ज़्यादा वहाँ से मतलब बहुत अच्छे से दर्शन कराते हैं, हटाते नहीं हैं, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। यहाँ पे बाहर है हम गए काशी विश्वनाथ, ये देखिए काशी विश्वनाथ का मेन मंदिर है, उसके सामने मैं खड़ी हूँ। अंदर मोबाइल वगैरह में जाना मना है, मैं आपको यहाँ से ही दर्शन करा देती हूँ। जो लोग नहीं आए हैं यहीं से दर्शन कर लीजिए। ये देखिए मैं वहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ सामने से ये है ना, यहाँ से लाइन लगती है और एक VIP की लाइन है वो पीछे से लगती है। गेट नंबर 4 है ये। तो देखिए ये है काशी विश्वनाथ मंदिर इधर, और इधर आपको फूल वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ से ये देखिए लाइन लगी है, यहाँ ये देखिए ये पूरी लाइन लगी हुई है, लाइन में लोग खड़े हैं। ये देखिए लाइन में हमारी पूजा हो गई है, यहाँ पे देखिए सब लाइन लगे हुए हैं, पूरा लाइन है, पूरी लाइन लगी हुई है। काशी विश्वनाथ की एक खासियत मुझे लगी कि यहाँ पे ना जल चढ़ाने देते हैं, जल फूल जो आप लेके जाएंगे ना, प्रसाद वगैरह जो भी लेके जाएंगे ना, सब वो चढ़ा देते हैं। तो सब ज्योतिर्लिंग में ऐसा नहीं है। अभी मैं पिछले दिनों सोमनाथ गई थी तो वहाँ बिल्कुल जल चढ़ाने नहीं देते हैं, वो सिर्फ आप दर्शन कीजिए और साइड हो जाइए। तो यहाँ पर जल चढ़ाने देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और लाइन में जब आप जनरल लाइन में लगे रहेंगे ना, तो लाइन जब लंबी हो जाती है तो गेट के बाहर से ही लाइन, मंदिर से बाहर से ही लाइन लगने लगती है। और वहाँ पर लाइन में ही ना छोटे छोटे ग्लास में जल वगैरह बेचते रहते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, फूल वगैरह सब कुछ बेचते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जनरल लाइन मतलब बहुत दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्थिर से खड़े रहिए अपनी लाइन में, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन धक्का मुक्की ऐसे कुछ भी नहीं होता है, आराम से लाइन में आप खड़े रहिए तो आपकी बारी आ जाएगी। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो 1-1.5 घंटे में जनरली नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद काल भैरव की बारी आती है। कहा जाता है कि काल भैरव यहाँ के पहरेदार हैं, बनारस के, बनारस का जो पहरेदार है वो काल भैरव है, मतलब काल भैरव के आज्ञा के बिना यहाँ कोई काम नहीं होता है। तो वहाँ पे भी दर्शन लोग करते हैं, तो हम लोग भी चले गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर में जितना टाइम हमें नहीं लगा उससे मतलब डबल टाइम लग गया हमें काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के। वहाँ पर व्यवस्था जो है ना वो उतनी पुख्ता नहीं है, बिल्कुल पतली सी गली है, उसमें लोग आना जाना भी करते हैं और मतलब सफाई वगैरह उतनी ज़्यादा तो नहीं है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे कोई एजेड लोग हैं ना तो वो इसमें उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इसमें जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और बिल्कुल मतलब कुछ ये नहीं है कि आप अगर एक बार घुस गए ना तो आप निकल नहीं पाएंगे बिना दर्शन किए हुए, मतलब कुछ बड़ा सा मंदिर ऐसा नहीं है, मतलब मंदिर बहुत ही छोटा है, लेकिन हाँ जब दर्शन हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो काल भैरव के बारे में और बनारस के बारे में मुझे जो एक जानकारी है वो मैं आपको बता दूँ। पूरी धरती पर बनारस ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर यमराज को आने की मनाही है। ऐसा कहा जाता है मृत्यु से पहले यमराज व्यक्ति को लेने आते हैं, लेकिन बनारस में मृत्यु से पहले यमराज नहीं आते हैं, यहाँ पे भगवान शिव मृत आत्मा को स्वयं मुक्ति दिलाते हैं। चलिए यहाँ पे एक और मैं आपको टिप दे दूँ, जब आप स्टेशन से बाहर जाएंगे ना तो ऑटो वाला या टैक्सी वाला आपको होटल जो लेके जाएगा ना उसमें उनका कमीशन होता है, तो वो उन्हीं होटलों में लेके जाता है, बिल्कुल गली गली के अंदर जो घुसे हुए होते हैं ना ज़्यादा करके उन्हीं होटलों में लेके जाता है। तो हमें भी उनमें ही लेके गया था, तो हम एक दिन तो उसमें रह गए थे, लेकिन दूसरे दिन हमने खुद से, सामने में ही अच्छे अच्छे होटल्स दिख जाते हैं, तो मैं खुद से जाके बात कर ली थी और उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा था, लेकिन होटल बहुत बढ़िया था। तो यहाँ पे तो बता दिया मैंने आपको टिप कि सिर्फ 100% आप ऑटो या टैक्सी वाले के बात पर विश्वास मत कीजिएगा, थोड़ा सा खुद भी इधर उधर देखिएगा। और बनारस का जो स्ट्रीट फूड है वो एकदम ऑसम है, अलग लेवल का है, चाहे आप बड़े रेस्टोरेंट में खाएं या छोटे में खाएं। ये देखिए सिर्फ 50 रुपये या 40 रुपये का ही है, लेकिन बहुत ही यम्मी था, बहुत टेस्टी। यहाँ पर खा पी के अब हो रही है शाम, शाम की आरती देखने के लिए ना आपको 1-1.5 घंटे पहले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और बनारस की एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ई रिक्शा बहुत ज़्यादा चलता है, 10 रुपये या 20 रुपये पर सवारी ऐसे किराया होता है, तो ज़्यादा कन्विंस में आपको खर्चा नहीं होने वाला है, ये एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी।
पर ये है गोधुलिया चौक, इसी से होके हम लोग जाएंगे अभी दशाश्वमेध मेघ घाट। एक दिन पहले हमने जो आरती देखी थी ना वो 80 घाट में देखी थी, और ये जो दशाश्वमेध मेघ घाट है इसका आरती बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी चूँकि गंगा जी में जल का स्तर बहुत ऊँचा हो गया है तो नाव वगैरह ना बंद हो गया है, इसमें नौका विहार अभी नहीं होती है, नहीं तो नाव से ना बहुत अच्छा मतलब नज़ारा लगता है आरती का, और नौका विहार का जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अभी नाव साइड में किनारे में बांध के रख दिया है और उस पर बैठ के ये आरती दिखाते हैं, लेकिन पैसे जो है ना चार्ज वो 100 रुपीज़ ही करते हैं। जब आप नाव पे बैठेंगे ना तभी भी इसमें भी ना बहुत बार्गेनिंग होती है, 500-600 पर पर्सन ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ 100 रुपीज़ पर पर्सन ऐसे ही इनका चार्ज है। और पूरा अगर आप नाव रिजर्व करते हैं ना तो 1000 से ऊपर मत दीजिएगा, 1000 से नीचे में ही 800 या 1000 ऐसे में ही ये पूरा नाव जो होता है छोटी सी नाव होती है वो रिजर्व आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम भी नाव में बैठ के आरती के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा थी लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अभी आरती शुरू नहीं हुई थी और ये देखिए बिल्कुल खचाखच लोगों से भर जाता है, और घाट पे तो लोग खड़े होकर देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, उधर थकान हो जाएगी आपको, खड़े खड़े कब तक खड़े रहिएगा। तो हम लोग भी यहाँ पे 100 रुपीज़ दे दे के यहाँ पे नाव पे बैठ गए, लेकिन ऐसा हुआ ना कि जैसे आरती शुरू हुई थोड़ी देर के बाद ना इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई ना, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, और मतलब मैं तो सोची कि यहाँ पे अफरा तफरी मच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आरती अपनी होती रहती है वहाँ पे ना। अभी पहले तो नीचे घाट पे होती थी लेकिन अभी जो जल का स्तर ऊपर हो गया है ना तो ऊपर में वहाँ पे एक जगह है वहाँ पे ही आरती होती है और सब लोग उसको देखते हैं। तो बीच में ही बारिश शुरू हो गई, लेकिन नाव वाले जो है ना बोट वाले उन सब के पास ना बड़े बड़े त्रिपाल होते हैं, वो फटाफट से ये देखिए यहाँ पे आरती हो गई, यहाँ पे आरती हो गई। और पहले मैंने देखा है बिल्कुल घाट पे अच्छे से होती थी, ये देखिए बारिश शुरू हो गई और बिल्कुल मतलब त्रिपाल जो था ना बिल्कुल फैला दिया, और बिल्कुल ये देखिए सब लोग त्रिपाल के अंदर आ गए हैं, मतलब भीगने का कोई चांस नहीं था। लेकिन मैं तो भींगी गई थी, मैं शुरू में त्रिपाल में नहीं जा रही थी, मुझे लगा कि किसी का ना ये पर्सनल है तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही थी। फिर नाव लेकिन सब आरती देख रहे हैं, तो आरती ख़त्म हो गई, फिर यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और ये जो चौक है ना इसको गोधुलिया चौक बोलते हैं, यहाँ पे रोड के दोनों तरफ खूब बाज़ार है, भरा भरा हुआ है, जैसे बनारसी साड़ी वगैरह आपको ख़रीदना हो या खाने पीने की ना बहुत ज़्यादा मतलब दुकान वगैरह है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल मैं गीली हो गई थी, तो उसके बाद आरती संपन्न हो गई, आरती हमने देख लिया। मतलब आरती आप बनारस जाए ना तो 2 घंटे का टाइम आप आरती के लिए ज़रूर निकालें, आरती यहाँ की ना मतलब बिल्कुल अद्भुत होती है, बहुत अच्छी होती है। एक हरिद्वार की आरती मैंने देखी है, बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ की तो खैर बात ही अलग है, यहाँ पर लोग फ़ोटोशूट वगैरह करवा रहे थे तो मैं भी खड़ी हो गई थी, लाइट वगैरह सब लगा हुआ है यहाँ पर, अच्छा अच्छी व्यवस्था है फ़ोटो खिंचवाने की। दशाश्वमेध घाट से जब आप बाहर आओगे ना तो रोड के दोनों तरफ ना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और दोनों तरफ बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, साड़ी वगैरह की बहुत है। मुझे भी जाने का मन कर रहा था लेकिन मुझे लग रहा था कहीं मैं ठगी ना जाऊं तो मैं नहीं गई, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मन था जाने का। यहाँ पे एक चाट भंडार है जो आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, ये तब से सुर्खियों में ज़्यादा है जब से इसमें मिसेज नीता अम्बानी विज़िट की हैं। वैसे तो ये पहले भी बहुत ज़्यादा फेमस था लेकिन जैसे कि बनारस के बाहर के लोग हैं वो उतना नहीं जानते थे, जब से मिसेज नीता अंबानी इसमें विजिट की हैं और अपने बेटे की शादी का न्योता दिया था और अपने बेटे की शादी में इनका स्टॉल लगा था मेहमानों के लिए चाट का, तब से ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था और मुझे भी बहुत ज़्यादा मन था इसमें जाने का। और भीड़ तो इसमें इतनी ज़्यादा होती है ना कि क्या बताऊँ। मैं एक छोटी सी वीडियो ना अलग से आपके लिए बनाऊँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि इसमें कौन कौन तरह के चाट मिलते हैं, क्या प्राइस है। ये देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ बैठ के तो ऐसे ही लगा कि एक चाट के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी या चौथी, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखी है तो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर सबके पास इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत तरह के वीडियोज़ आते हैं, टूर एंड ट्रैवल की आती है, फूड की आती है, रेसिपीज़ की आती है, ब्लॉग्स आते हैं, किसी फेस्टिवल का आता है, तो बने रहिए मेरे चैनल से। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।